कर रहा है, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। I think the issue has been settled between the ICP and left parties. They have put forward their demands. Certainly, we cannot afford to accommodate all those seats. However, for the sake of alliance, only for the sake of alliance, some seats could be given to them, but before that, we have to ensure our share. देखिए, इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, बेकार के लिए हम चाहते हैं वोट का बंटवारा न हो, इसीलिए जो सीट का समझौता हुआ है उसमें हम राजी हैं। फिर भी कांग्रेस अगर क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला है आपका पोजीशन क्या है, क्लियर कर दीजिए जो करना है या नहीं करना है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। लेफ्ट के बड़े नेता के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जितनी सीटें जीती और उसके साथ जितनी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही उन विधानसभा सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। इस हिसाब से कांग्रेस को 82 से 83 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन वो 90 से अधिक सीटों पर अड़ी हुई है। इधर ISF अब कांग्रेस से भी सीटें मांगने लगी है। बंगाल में बीजेपी और TMC के खिलाफ तीसरा मोर्चा तो बन गया है, लेकिन सीटों पर बात अभी भी नहीं बन पा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसे कम से कम 92 सीटें चाहिए, वहीं ISF का कहना है कि उसे 45 सीटें चाहिए। इस बीच वाम मोर्चा ने अपनी सीटों में से 30 सीटें ISF को दे दी हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी सीटों में से एक भी सीट ISF को नहीं देगी। इसके अलावा वाम मोर्चा के लिए अपने घटक दलों जैसे RSP और CPI को भी सीटें छोड़नी होगी, जो अभी भी तय नहीं हो पाया है। इधर बंगाल में चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी, तब ये खबरें उठने लगी थी कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ओवैसी का ताजा बयान अब्बास सिद्दीकी के साथ जाने की संभावनाओं को न नकारता है और न ही स्वीकारता है। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका, आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। बंगाल में मतदान के पहले चरण में महज 25 दिन रह गए हैं और उससे पहले बंगाल में पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। ऐसे में बंगाल में आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल खड़ी हो सकती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल यहाँ रुकना।